प्रकृति भी जो आपको बड़े से बड़ा सुख देती है जो पूरी दुनिया को नचाए हुए है काम वासना जानवर से लेके इंसान तक सबको देखो ना कि वासना के क्षणों के बाद क्या हालत होती है यानी कितनी ही महिलाओं का अनुभव रहा है पुरुषों का भी होगा कि जितना अपमानित हम वासना के क्षणों के बाद अनुभव करते हैं उतना कभी और नहीं जैसे हमारा इस्तेमाल करके हमको छोड़ दिया गया हो लेकिन उस क्षण में सुख स्त्री के लिए भी होता है पुरुष के लिए भी होता है लोग कहेंगे ये देखो ये हर समय दुख की बात करते हैं मैं दुख दुख की बात इसलिए कर रहा क्योंकि है और मैं दुख की बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि दुख को मिटाया जा सके और दुख को अंत तक पहुंचा सको दुख से मुक्त हो सको इसके लिए दुख की बात करना जरूरी है ना बीमारी की बात नहीं करोगे तो उपचार कैसे होगा गए प्रणाम लाखों करोड़ों में कोई एक मुक्त पुरुष हो सकता है फिर अमुक पुरुष क्यों मुक्ति की ओर मतलब प्रयत्न करे ऐसे में मुक्त पुरुष क्या करे लाखों करोड़ों में कोई एक मुक्त पुरुष हो सकता है तो अमुक्त पुरुष मतलब क्यों मुक्ति की ओर प्रयास करे फिर अरे उन्हीं में से तो कोई मुक्त निकलता है ना और जो अमुक्त है वो ये थोड़ी देखेगा कि प्रोबेबिलिटी कितनी है ये देखेगा कि तकलीफ कितनी है आप गणित पे चलोगे या अपने गम पे चलोगे हम्म क्यों भाई आपको तकलीफ है इसलिए आप मुक्ति का प्रयास करते हो ना आपके लिए आपकी तकलीफ मायने रखती है ना या कि ये कि बताओ भाई एक बटा एक लाख है कि एक बटा एक करोड़ उससे आपको क्या लेना देना आचार्य जी क्या है कि बीच बीच में कैसा अमुक्त जैसे हम लोग हैं तो बीच बीच में कैसा होता है कि कुछ सुख मिल जाते हैं कुछ तो उस कंडीशन में अपन थोड़ा सोचते हैं कि ठीक है सुख भीच कभी भीच मिलता नहीं है जिसको सुख कहते हो वो भ्रम होता है सुख के और पास चले जाओ कहो सुख है तो अच्छे से इसको लूट ले क्या समस्या है सुख है तो पूरे ही ले लो ना उसको जाओ और पास चले जाओ फुग्गा फट जाएगा फो जहां सुख मना रहे हो वहां और सुख मनाने की कोशिश कर लो फिर देखो क्या होता है और ये तो भाई अपने हित की बात है किसी चीज में सुख मिल रहा है तो उसको और करो ना और करके देखो कोई बहुत प्यारा लग रहा है पहले उसे दस फीट दूर थे तो अपरिचय था पास आ गए अब उससे एक फीट दूर हो तो परिचय तो और पास चले जाओ ना उसको पूरा ही जान लो देखो फिर सुख का क्या होता है सुख भी तभी तक है जब तक अज्ञान है मामला धुंधला है तो वो सुख दे सकता है और ईमानदार आदमी तो कहेगा कि जिस चीज से सुख मिल रहा है मैं उसको और अच्छे से जानूंगा जिस चीज में सुख मिल रहा है मैं उसको फिर और पूरे से भोगूंगा तो जाओ पूरा ही भोग लो और पूरा भोग पता चल जाएगा कि सुख कह क्या है और इतने ही सुखी हो तो सुख को बचाने की चेष्टा क्यों करते हो सुख को बचाने की चेष्टा ही बताती है कि सुख के क्षण में भी आशंकित हो माने सुख में भी डरे हुए हो नहीं तो सुख को बचाने की कोशिश करते और कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने सुख को सुरक्षित न रखना चाहता हो और सुख को सुरक्षित रखने की कोशिश ही बताती है कि सुख में भी आशंकित हो डरे हुए हो कि सुख छिन जाएगा इसका मतलब जानते हो कि उस सुख में कुछ रखा नहीं है असली होता तो छिन कैसे जाता और सुख मिला कहाँ अगर सुख में भी डर लगा हुआ है जहाँ डर है वहाँ सुख कैसा तो ये सब बातें ना कि सुख मिल गया मैं तो कह रहा हूं मिल जाए इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता सारा अध्यात्म अनंत नित्य सुख की ही तलाश है हुँ? सुख को पाना कोई पाप थोड़ी है बहुत अच्छी चीज है सुख अध्यात्म ये थोड़ी कहता है कि सुख नहीं होना चाहिए वो कहता है अरे अनंत सुख होना चाहिए असली सुख होना चाहिए कभी ना छिनने वाला सुख होना चाहिए अद्वैत सुख होना चाहिए ऐसा सुख हो जो नष्ट हो कभी नहीं जिसका कोई विपरीत कहीं नहीं सुख में क्या बुराई है ये कोई नैतिक कारोबार थोड़ी चल रहा है कि अरे 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 देखो वो सुखी हो रहा है कितना गंदा आदमी है छिछी। समस्या ये नहीं है कि आपको सुख मिल गया समस्या ये है कि आपको सुख मिला नहीं है पर आप झूठ बोल रहे हो कि सुख मिल गया दिखाओ सुख किसके पास है अभी गुब्बारे में लगाते हैं सुई झूठे सब जैसे आजकल चल रहा है ना शादियों का दौर वहाँ सब सुख मना रहे होते हैं फालतू का प्रपंच स्वांग नकली उसको बोलते हो सुख अपने जमाने में मैंने भी उम्मीद बांधी मैं भी जाता था जितने मुझे सुख के आश्रय बताए गए जितने अड्डे बताए गए कि यहां जाओ यहां हैप्पीनेस मिलती है मैं उन सब पे होकर के आया हूं क्योंकि सुख तो अध्यात्म का शिखर है अध्यात्म का प्रतिपाद्य विषय है ध्येय है अध्यात्म का सुख ही कि मिले सुख दुख का समूल नाश ही तो हम चाहते हैं तो मैं इन सब जब बताओ पार्टी में लेकर कहां चलते हैं और बताओ कहां, कहां तुम दावा करते हो कि सुख मिलता है मैं सब जगहों पे गया जाओ दिखाओ कोई जगह नहीं है जहां इस समाज ने बोला कि सुख मिलता है और मैंने कहा चलो मैं अभी उसको परखूंगा नहीं समस्या ये थी कि वहां सुख मिला नहीं मैंने वहां जाके कहा तुम बताओ तुम बोल रहे थे यहां सुख है यहां सुख कहां है तुम झूठ मूठ बोल रहे हो यहां सुख है और यहां सुख मिल रहा होता तो बस ही जाना चाहिए था फिर हमको हम यहां से कभी जाए ही नहीं वापस पर तुम झूठ बोल रहे हो यहां कोई सुख नहीं है तुम यहां सुख का नाटक करने आते हो तुम यहां खुद को धोखा देने आते हो कि सुख है कौन सा सुख है ये तुम पार्टी में आए हो ये जो कुछ कर रहे हो ये तुम जो भी तुम्हारा चल रहा है पूरा रंग रोशनी ये प्रवंचना है प्रसन्नता नहीं है जहां असली सुख मिलता हो हम कह रहे हैं वहां हम सिर्फ जाएंगे ही नहीं हम वहां बस जाएंगे पर तुम जो ये सुख के अड्डे बता रहे हो यहां सुख है नहीं दुख को ही रंग रोगन दे हम उसे सुख जैसा वेश दे देते हैं और मूर्ख किसको बना रहे हैं खुद को हम कहते दुख थोड़ी है ये सुख है काय को उसके लीपा पोती कर दी है बढ़िया वाला रंग लगा दिया है रोशनियां लगा दी है नाच गाना लगा दिया है और थोड़ी देर में सब झड़ जाएगा बारिश हो जाएगी रंग उतर जाएगा और रंग उतरा के पीछे जो उसकी असलियत है वो सामने आ जाती है वो काहे की है दुख दुख को ही श्रृंगार करके हम सुख का नाम दे देते हैं बुद्ध पगलाए थोड़ी थे कि बोलेंगे सर्वम दुखम कोई बात है ना ऐसे थोड़ी बोलते थे सत्य मेरे चार सत्य उनमें से पहला यही है दुखी दुख है इन्होंने बोला कहीं कि अल्पम दुखम या अंशम दुखम बोले न तो थोड़ा है न आंशिक है पूरा है या ऊपर से लेके नीचे तक दुखी दुख है और आप कहने आते हो नहीं सुख में हम भूल जा तुम्हें सुख मिला कहाँ? बुद्ध तो भूल गया दुखी दुख है तुम सुख कहां से खोज बताओ। जब यहां दुखी दुख है तो तुम्हें सुख कहां से मिल गया और सुख किसी को मिल रहा हो तो मुझे भी साथ ले लो सुख तो महापुण्य है असली सुख नित्य सुख अनंत सुख हम्म आखिरी सुख ऐसा सुख जो फिर धोखा नहीं दे सकता छिन नहीं सकता हिल नहीं सकता डिग नहीं सकता ऐसा सुख जिसका कोई विपरीत नहीं होता अतः जिसकी फिर अनुभूति ही मिट जाती है वो अपने अनुभव करने वाले को भी अपने साथ मिटा देता है ऐसा सुख ऐसा सुख जो निर्विशेष हो जाता है जो विशेष होता है ना सुख वो उत्तेजना देता है निर्विशेष सुख विश्राम देता है ऐसा सुख कहीं मिल रहा हो तो वहां जाओ वही तीर्थस्थल है <laughs> कोई अध्यात्म की सुख से दुश्मनी थोड़ी ही है अध्यात्म तो चाहता है कि आपको महान सुख मिले हम्म जलेबी चुरा के आ गए क्यारे क्या मिल गया सुख वाक्य पूरा भी नहीं होने पाया था कि ये झन्नाटेदार झापड़ पड़ा मिल गया सुख और जितनी जलेबी मुंह में थी झापड़ पड़ा तो सब बाहर आ गई लो मिल गया सुख मैंने कहीं पे एक तस्वीर देखी थी आप लोगों को मिल जाएगी ये भी आप लोगों के लिए आज मेरी ओर से काम रहा कि वो एक, एक एक बकरे का बच्चा है वो मगर के मुंह में है और नदी किनारे ऊंची घास है वो उसको मस्त खा रहा है मगर ने अभी दांत नहीं गड़ाए हैं <laughs> ये सुख है हैं जगत वह ना काल का बकरे का बच्चा है वो मौज में क्या कर रहा है वो नदी किनारे बढ़िया ऊंची घास है वो खा रहा है और इधर मगर ने आकर के भारी अपना मुंह खोल के उस बच्चे को अपने जबड़ों के बीच कर लिया है बस दांत नहीं गड़ाए हैं और बच्चा अभी मस्त होकर के वो घास खा रहा है ये सुख है मगर भी कह रहा है खा ले घास मेरे पेट में जानी है अच्छा है तेरा थोड़ा वजन बढ़ जाएगा सब आ जाते हैं एक एक करके वो ना सुख में आज भी होंगे कम से कम सौ सवा सौ, सौ, सौ लोग पता नहीं कितने दो सौ लोग जाने जो यहाँ से अनुपस्थित होंगे वो कहीं सुख का लाभ ले रहे हैं आप सुख का ही अगर लाभ ले रहे हो तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल वहीं रहो यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सुख की तरफ यात्रा है और अगर आपको उस यात्रा की मंजिल ही मिल गई है तो यात्रा की कोई ज़रूरत नहीं पर बात यह है कि आप जो कर रहे हो ना उसमें सुख नहीं है दुख है झूठ बोल रहे हो अपने आप को कि आप सुख में कहीं व्यस्त हो कोई बोल रहा होगा वो अभी नया नया लगाए साल तो गए थे जरा रिश्तेदारों के यहाँ पे केक काट रहे थे उन्हीं रिश्तेदारों के यहाँ केक काट रहे थे जिन्होंने तुम्हारी जेब काटी है और जिनकी जेब जब तुम्हें मौका मिले तो काट ही दोगे और सुख बता रहे हो हमारे यहाँ होते थे उन्हें सोशल्स बोलते थे हमारे समय में आईटी में हमारे बैच में कुल तेरह लड़कियाँ थी साढ़े तीन सौ सा पौने चार सौ लोगों का बैच था लड़कियाँ थी कुल तेरह तो संस्थान ने ये तय करा था कि ये बात जो है लड़कों के मानसिक विकास के लिए कुछ अच्छी नहीं है जो जेंडर डिस्पैरिटी है असंतुलन जो है ये दो लिंगों के बीच में ये अच्छा नहीं है लड़कों के लिए तो सोशल्स नाम की एक व्यवस्था रखी गई थी उसमें क्या होता था कि जो दिल्ली के दूसरे कॉलेज थे तो वहाँ से लड़कियाँ जो होती थीं वो आती थीं और वो हर हॉस्टल के लिए हर सेमेस्टर में एक एक शाम निर्धारित कर दी जाती थी तो लड़कियाँ आती थी बॉयज़ हॉस्टल में और वहाँ जो बॉयज़ होते थे वो फिर उनके साथ अपना नाच गाना होता था खेलना खाना होता था कैंपस घुमाओ जो भी करना है मतलब आगे का काम वो करो तो हमारा भी पहला सोशल हुआ आई टी पहुँचे तो सारे सीनियर्स ऐसे भाई 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 भाई, भाई 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 ये होगा वो होगा ये कर देना वो कर देना ऐसे कर देना ऐसे कर देना क्या मज़ा आ जाएगा ये हो जाएगा फाड़ हो जाती है अच्छी बात जब इतनी जबरदस्त बात है कि सब बिल्कुल एकदम पगलाए जा रहे हैं तो हम भी तैयार व्यार हो सब तो उसमें भाग भी नहीं ले पाते थे क्योंकि चार सौ जनों का हॉस्टल होता था और एक बस भर के लड़कियां आती थी उनके लिए मेस खाली की आती थी और एक बस में पचास ही आ पाती थी तो जो पचास सूरमा होते थे वही सामने आते थे तो हमने भी सबसे आगे आकर नाम लिखा दिया ने कहा इतनी ही अगर मस्त चीज़ है तो हम भी आएंगे और वहाँ पे पूरा सजाया हो जाया गया था गया कि आज खुशी बरसेगी आज जैसा कोई दिन नहीं हो सकता खुशी बरसेगी तो वहाँ वो पचास लड़कियाँ बेचारी खड़ी हुई हैं कहाँ से आई थी एल से आई थी शायद और यहाँ हम पचास खड़े हुए हैं जैसे दो हुँ? प्रतिपक्षी सेनाएं एक दूसरे का मुकाबला करने को तैयार हों हुँ? शंखनाद भर की देर है शंखनाद हो गया वहाँ म्यूज़िक लग गया अब उसमें सब थिरक रहे हैं थिरक क्या रहे हैं हॉस्टल के सब डेस्परेट लड़के उनसे थिरका भी नहीं जा रहे मैं कहा खुशी कहाँ है यहाँ पे, यहाँ तो इनकी हालत ऐसी है कि बेहोश होके गिर जाएँ भी लड़कियाँ आएँ वो भी असहज हैं अनजान लड़कों के बीच में आ गई वो भी बस यही देख के आ गई हैं कि आई टी एन है तो जा रहे हैं तो थोड़ी नेटवर्किंग हो जाएगी इसी मारे आ गई होंगी वो भी और कुछ नहीं है वहाँ पे फिर धीरे धीरे रोशनी मध्यम की गई कि भाई जरा आप आपस में नज़दीकियाँ विकसित कर पाओ और ये सब कुछ नहीं एक दो घंटे तक वहाँ तमाशा देखा उसके बाद में बाहर निकले खड़ा हो गया देखा इसमें कौन सी खुशी है सहीयों की बात यह थी कि मैं अकेला ही नहीं था जो बाहर निकल के खड़ा था एक लड़की भी थी वो भी बाहर निकल के खड़ी थी तो हमने कहा घूमने चलते हैं रही बात है खुशी कहाँ है अपने आप को धोखा देना है तो बोल दो तो मजा आ गया आ गया मुंह तो वैसे ही कहा वैसा ही है नहीं तो मजा कैसे आ गया आंखों में वही भिक्षावृत्ति चेहरे पर वही दयनीयता तो मजा कैसे आ गया क्या बदल गया जिंदगी में दिल खाली का खाली मन सुना का सुना खुशी क्या मिल गई अब एक आईना हो तो ऐसे उठा के देखिए मैं दावा कर रहा हूँ कि मुझे सुख मिल जाता है आप अपने आप को देखें आपको लग रहा है आपको सुख मिला है कभी मिले मैं बहुत बेताबी से इंतजार कर रहा था कि अब सुख भी तो आए म्यूजिक आ गया लड़के आ गए लड़कियां आ गई सजावट आ गई सब कुछ आ गया वो जिस खास चीज का वादा था वो कब आएगी वो सुख कब आएगा वो आई नहीं रहा ससरा फिर हम बाहर ही आके खड़े हो जाते हैं सारी फालतू की चीजें आ गई वो चीज तो आई नहीं जिसके लिए बाकी सारी चीजें आई थी तो फिर तो कोई मतलब नहीं ऐसी सी बात है कि फूफा आ गया जीजा आ गया पंडित आ गया कुर्सी वाला आ गया शामयाने वाला आ गया न दूल्हा है दुल्हन बाकी सब आ गए तुम तो भाड़ में जाए ऐसी भीड़ सुख कहां है ये सब कुछ है बस दो लोग अटेंडेंस पूरी है दो लोगों की कमी है कौन दूल्हा और दुल्हन न सुख है ना सुखी होने वाला बाकी सब कुछ है दुनिया की पूरी भीड़ सब सामग्रियां हैं क्या करना है मदर इंडिया आई थी पिक्चर hmm? उसमें वो जो लाला था जो फटाफट -बट, फटाफट -बट पीटा जाता है उसका नाम था सुखी लाला तो आप लोगों सुखी लाला की तस्वीरें आज चिपकाइएगा और बताइएगा कि सुखी लाला थोबड़े पर सुख कितना दिखाई दे रहा है और सुखी लाला भीतर से इतना दरिद्र था इतना दरिद्र था कि गांव के सारे गरीबों को लूटे हुए था <laughs> जिसको आप सुख का क्षण बोलते हो ना इसके बीचों बीच अगर झूठ को नहीं पकड़ पा रहे हो तो कम से कम इसके बाद की रिक्तता के प्रति थोड़े संवेदनशील हो जाओ असली आदमी तो वो है जो सुख के बीचों बीच ही पकड़ ले कि मामला नकली है झूठा खोखला है पर अगर बीचों बीच नहीं भी पकड़ में आ रहा तो सुख के बाद जो होता है कम से कम उसके प्रति सजग हो जाओ खूब खा लिया अंधा खाया ऐसी चीज मिली थी खाने को कि सुखी सुख और देखा है उसके बाद उसके बाद देखा है पर देखने की बहुत नौबत ना आए इसके लिए हम बेहोश हो बेहोश हो जाते हैं सो जाते हैं ब्याह आदि उत्सवों में आप जाते हो आप रात में जाते हो वापस क्यों आ जाते हो कभी वहां रात भर रुक जाना और सुबह भी वहां बने रहना उस जगह पर और देखना कि सुबह वहां पर कैसे जूठे पत्तल और ग्लास पड़े होते हैं और बेतरतीब कुर्सियां बिखरी होती हैं लोग सब जा चुके हैं जगह उजड़ चुकी है शामियाने वाले आके शामियाना उखाड़ रहे हैं जिस मंच पर अद्भुत सुखदायक शोभा थी वहां कुत्ते चढ़ गए हैं और जो लोग आए हैं अपना सामान बटोरने वो चिढ़े हुए से एक दूसरे को बोल रहे हैं अरे जल्दी कर जल्दी कर बहुत हो गया नाटक ये इसको यहां से उखाड़ अब ले चल किसी दूसरी जगह आज शाम को नाटक सजाना है देखिए ना सुख का हश्र देखिए क्या हश्र है और अगर थोड़ी ईमानदारी हो तो आज के अपने सब दुखों को देखिए जो घोषित हो चुके हैं प्रकट हो चुके हैं और देखिए है कि उनके पीछे कैसे सुख था लोग तड़पते हैं रातों में टूटे रिश्तों की टीस लेकर कराह लेकर दिन में नहीं पता चलता वो सब बातें रात में खुलती हैं अंधेरे में एकांत में और हर कराह के पीछे एक सुखद याद होती है होती है कि नहीं होती है बोलो तुम कराह ही नहीं सकते थे अगर उसके पीछे अतीत का कोई सुख नहीं बैठा होता जो उस वक्त लगा था कि समूचा है पूरा है खरा है समूचा था पूरा था खरा था तो आज वो आधी रात की कराह कैसे बन गया बोलो प्रकृति भी जो आपको बड़े से बड़ा सुख देती है जो पूरी दुनिया को नचाए हुए है काम वासना जानवर से लेके इंसान तक सबको देखो ना कि वासना के क्षणों के बाद क्या हालत होती है यानी कितनी ही महिलाओं का अनुभव रहा है पुरुषों का भी होगा कि जितना अपमानित हम वासना के क्षणों के बाद अनुभव करते हैं उतना कभी और नहीं जैसे हमारा इस्तेमाल करके हमको छोड़ दिया गया हो लेकिन उस क्षण में सुख स्त्री के लिए भी होता है पुरुष के लिए भी होता है उस क्षण में उस क्षण के बाद यूज्ड इस्तेमाल की हुई चीज है कहां गया सुख जिसने तुम्हारा इस्तेमाल करा है वो दूसरी ओर को मुंह करके खर्राटे भर रहा है उसकी नींद का इंतजाम हो गया अब अगर अपने आप से झूठ बोलना है तो तुम भी दूसरी ओर को मुंह करके खर्राटे मारने लगो बात आई गई हो जाएगी पर जो संवेदनशील होते हैं ना वो ये नहीं कर पाते उनमें ये एक बड़ी बेचारी कमजोरी होती है वो आई गई नहीं कर पाते बातों को वो ये नहीं कर पाते कि आ, उन बेचारों में बोल रहा हूँ ना ये एक अपूर्णता होती है कमी होती है हमारे पास ये एक बड़ी विशेष ताकत होती है हम क्या करते हैं रफा दफा बात को आया गया कर दो कुछ अगर सच्चाई दिखी भी थी तो ऐसे हो जाओ जैसे दिखी ही नहीं रफ़ा दफ़ा कर दो वो रफ़ा दफ़ा नहीं कर पाता उनको दिख गया तो दिख गया दिख गया तो दिख गया कि मेहमान आए थे घर पे और क्या गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया और पकवान परोसे गए और हंसी ठट्ठे का दौर था एक के बाद एक वहाँ चुटकुले चल रहे थे और धौल धप्पे और गलबहियाँ और जब मेहमान रात में आधी रात के आसपास बाहर चले गए तो पीछे से बात करी जा रही है ये मिसेस चोपड़ा कुछ ज्यादा ही नहीं बन रही थी मिसेस चोपड़ा से दीदी अभी आप गले लग रही थी उनसे बोल रही थी कि तू मेरी बहन है तो सगा कोई नहीं और जैसे ही वो निकली पीछे से ही ज्यादा नहीं बन रही थी तीन बार इसने बताया कि ये जो इसका हार है ये इतने लाख का है आम कोई घर में बच्चा होगा लड़का लड़की किशोर वो ये देखेगा तो इसको कैसे कर देगा रफा दफा छोड़ो हो गया पर कुछ होते हैं जो जब ये देख लेते हैं तो उनके घाव लग जाता है वो कहते हैं ये कौन सा सुख था जिसके बाद अब ये देखना पड़ रहा है <coughs> इतना भारी प्रदर्शन किया गया उस प्रदर्शन के बाद अब ये खोखलापन और गिनती की जा रही है कि खोलो एक के बाद एक अब जो मेहमान आए थे किसके लिफाफे में कितना है गिनो जल्दी, जल्दी 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 गिनो और जब तो वो मेहमान लिफाफा थमाते हैं तब तो ऐसे जैसे लिफाफे से तो कोई मतलब ही नहीं अरे ये सब तो ठीक है दुल्हन ही दहेज है मतलब क्या है हमें मतलब सिर्फ उसी चीज से है क्या सुख है ये चीज हटाइए जो दिख जाए उसको ऐसे मत करिए कि कोई बात नहीं नहीं देखा सिद्धार्थ गौतम के साथ ये चलती है जनश्रुति है मुझे नहीं मालूम कि ये कहीं लिखित में दर्ज है कि नहीं कि उनके लिए सुख के बड़े प्रबंध करे थे उनके पिता ने कहते हैं कि उनको पहले से आकर के बोल गए थे लोग कि ये जो लड़का है ये निकल जाएगा बोले या तो ये भागेगा सन्यास लेगा नहीं तो ये बड़ा अच्छा चक्रवर्ती बनेगा सम्राट तो राजा को दूना स्वार्थ आ गया पिता को बोले इसको तो रोक ही दो सन्यास बड़ा बढ़िया ये राजा बनेगा चक्रवर्ती आगे बढ़ाएगा सब काम हमारा तो उनको तरह तरह के सुख दिए गए और किसी भी तरह का उनको दुख नहीं देखने दिया गया उन्हें सुख में ही दुख दिख गया क्योंकि सुख है ही नहीं बाबा जो तुम सुख दिखा रहे हो वो तो दुख है तो राजा ने भरसक प्रयत्न करा कि उनको सुखी सुख दिखाएं और जो उनको सुख दिखाया जाता है उसमें उनको दुख दिख जाता है क्योंकि जो देखेगा वो तो सच्चाई देखेगा ना देखने का मतलब ये सच्चाई देखना और क्या देख रहे हो वरना तो उनको दिखाया जाता सुख उसमें देख लेते दुख उनको भेजा जा रहा था कि वो बड़ा बढ़िया महोत्सव हो रहा है शायद उसका कौमुदी महोत्सव या कुछ नाम था उनको रास्ते में वो दिख गया आदमी एक जर्जर जर है एक बूढ़ा है एक बीमार है एक लाश जा रही है वो कह रही है क्या हो गया दिखती तो हमको भी है पर उनको दिखी तो दिख गई अनदेखा नहीं कर पाए हमारे पास बड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण बड़ी एक घृणास्पद काबिलियत आ गई है हम क्या करते हम अनदेखा दिखाई नहीं दिखाई नहीं जस्ट पुट योर ब्लाइंडर्स ऑन बेबी तुमने नहीं देखा दिख गया। वैसे ही वो एक और कहानी उनको लेके चलती मैंने पढ़ी नहीं है बस सुनी है कि बहुत सारी जो राज्य की सबसे सुंदर लड़कियां थी वो उनके पास भेजी गई जाओ मित्रता करो इन्हीं घूमो फिरो ताकि ये बड़े ये प्रसन्न रहे मालिक हो रहे होंगे जवान तो नाच गाने का दौर चला मदिरा पान का दौर चला ये सब अपना चला उसके बाद वो सब अपना लड़कियां खा पी के नाच गा के मस्त हो गई और सो गई बुद्ध का तो मतलब ही है वो जो जगा रहे तो जगे ही हुए थे ज्ञानशा भूता नाम उनको नींद ही ना आए तो श्याम जागृति तो वो तो जगे हुए हैं वो सब लड़कियां सो गई अब जो सो गई तो उनको देख रहे हैं बोले इतना सज बज के आई थी कहाँ गया इनका रंग रोगन कोई ऐसे गिरी कोई वैसे गिरी किसी के बाल उड़ गए किसी का कुछ हो गया कोई खर्राटे मार रही खा पी के तो बहुत चीजें होती हैं कुछ कर रहा है कोई पाद रही होगी बुद्ध बोले ये ये मुझे बेचा जा रहा है सुख बता के अभी मैंने कहीं पढ़ा नहीं है अपनी ओर से जोड़ रहा हूं कह देना कि ये वाला वाक्य तो हमें किसी शास्त्र में मिला ही नहीं <coughs> ऐसा होता है असली आदमी दिख गया तो दिख गया और हमें कोई थोड़ी चाहिए हमें मूर्ख बनाने को हम स्वयं को ही धोखा देते हैं और जो स्वयं को धोखा न दे उसे दुनिया में कोई भी धोखा नहीं दे सकता अगर आपको दुनिया से धोखा मिला है तो इसका अर्थ ही यही है कि आप स्वयं को धोखा देने को बहुत आतुर रहे हैं सबसे बड़ा धोखा क्या सुख मैं मैं कोई यहां निराशावादी नहीं हो रहा हूं मैं कह रहा हूं असली सुख की तरफ जाओ झूठे सुख को सुखमत बोलो लोग कहेंगे ये देखो ये हर समय दुख की बात करते हैं मैं दुख की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दुख है और मैं दुख की बात इसलिए कर रहा हूं ताकि दुख को मिटाया जा सके अध्यात्म इसलिए नहीं है कि तुम दुख का ही भजन करो अध्यात्म इसलिए ताकि तुम दुख को मिटा पाओ दुख को अंत दे सको और दुख को अंत तक पहुंचा सको दुख से मुक्त हो सको इसके लिए दुख की बात करना जरूरी है ना बीमारी की बात नहीं करोगे तो उपचार कैसे होगा मानत है मन मो झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मो जगत का कुछ मुख में कुछ गोदरे साधो कुछ मुख में कुछ गो झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मो झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मो जगत बैना काल का कुछ मुख में कुछ गोदरे साधो कुछ मुख में कुछ गो राम बुलावा भेजिया दिया कबीरारो राम बुलावा भे दिया दया कबीरारो जो सुख साधु संग में सोवै कुण्ठ न रे साधो सोवै कुण्ठ न हो राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न हो रे साधो सो वैकुंठ न हो सभी को मेरा नमस्कार मेरा नाम नकुल गौतम है मैं एनआईटी आई कुरुक्षेत्र में प्रथम वर्ष का छात्र हूँ मैं आचार्य जी को कक्षा बारहवीं से सुनता आ रहा हूँ और सत्रों से मैं जनवरी माह से जुड़ गया था स्टार्टिंग से ही पर मैं सीख शेयर नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं हॉस्टल में हूँ और मेरे साथ और बच्चे भी रहते तो उन्हें रात को डिस्टर्ब होता तो पर आज वीकेंड है तो मैंने उनसे परमिशन दे ली इस चीज़ के लिए तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगा और मेरी जो दो प्रमुख सीख है ना वो शेयर करना चाहूँगा कि हम कृष्ण हैं और उसके अलावा और बहुत चीज़ भी हूँ तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पर जो हम कृष्ण के अलावा और चीज़ें हैं उनको अपनी ज़िंदगी से हटाना है और दूस दूसरी मेरी सीख है कि हमें सबसे बेहतर नहीं बनना है पर जो वर्तमान में हमारे लिए सबसे बेहतर है हमें वो बनना है और जैसे ही हमें चीज़ कोई और ऊपर लेवल के मिले तो हमें उसे ले लेना है आखिरी में मैं एक धोआ कहाँ गाना चाहूँगा जाति ना पूछो साधु की पूछ लीजियो ज्ञान मोल करो तलवार का बड़ी रैन द्यो म्यान कबीरा बड़ी रैन द्यो मान थैंक यू